लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ है, घर में लड़की है पहले उसका निकाह हो बाद में लड़के का निकाह करेंगे। अब लड़की का रिश्ता तलाश करते करते 10 साल हो जाता है, इधर लड़के की उम्र 30 साल हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? लड़की की उम्र 25 को पहुंची, लड़के की उम्र 30। अब 25 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हो रही है। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, वो लड़की बालिग होने से लेकर 25 साल तक उसने जो 10-12 साल इंतजार किया, क्या उसने बिल्कुल पाक दामन हो करके ये 10 साल गुजारे होंगे? आप समझते हैं कि हमारी बच्ची बुर्का पहन करके जाती है तो ये पाक दामन है, नमाज पढ़ लेती है तो ये पाक दामन है? नहीं, उसके दिल की कैफियत क्या है, उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, वो क्या क्या चीजों को देख रही होगी आज के दौर में, आज के माहौल में, जबकि उसके हाथ में सारी गंदगी नापाकी मौजूद है। अब ये लड़का 30 साल इसकी उम्र है, दिन भर ये बाजारों में इधर उधर फिरता रहता है, इसकी दोस्तियां भी नापाक वाली दोस्तियां, बाजार भी माहौल भी गंदा, और जिन चीजों को ये देखता है वो और ज्यादा गंदा माहौल। अब इसका रिश्ता आप तलाश करेंगे, इसको रिश्ता मिलते मिलते 2-3 साल लग जाते हैं, बाद में क्या होता है, मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता। क्यों? उम्र ज्यादा हो गई, 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता है। उल्टा सीधा रिश्ता मिल जाता है, बाद में झगड़े होते हैं, बाद में झगड़े होते हैं, बिलाखिर तलाक हो जाती है। शौहर जो है वो लड़का अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वो ये समझता है कि मेरे लायक ये रिश्ता नहीं है। असल में ये खुद लायक नहीं है उस लड़की के लिए, ये लड़का खुद लायक नहीं है उस लड़की के लिए। क्यों? 15 साल में बालिग हुआ, 32 साल में शादी हो रही है, पूरे 17 साल का जमाना गुजरा है, अल्लाह के घर में आप बैठे हुए हैं। आज के माहौल में कोई लड़का 17 साल तक पाकी के साथ गुजारा होगा? रोजाना उसको भूख लग रही है, रातों की नींद नहीं आ रही है, उसने कितनी दफा अपनी जवानी को तबाह बर्बाद किया होगा, अपनी आंखों को तबाह बर्बाद किया होगा। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, शरीयत बोल रही है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ना कि हुल यदि मलऊन, अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करने वाला मलऊन है, अल्लाह की फिटकार और लानत उसके ऊपर पड़ती है। गलती किसकी है? मां बाप की गलती है कि उन्होंने वक्त पर शादी नहीं की। और इसी तरह लड़का इंतजार में रहता है कि मेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगा। अरे भाई, तुम दूसरे की बहन को शादी कर लो, उसका भाई तुम्हारी बहन से शादी कर लेगा, मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ये लड़का इस इंतजार में है कि मेरी बहन की पहली शादी हो जाए, बाद में मैं करूंगा। इसी तरह वहां वो लड़का इंतजार में बैठा है कि उसकी बहन की शादी हो जाए तो बाद में ये लड़का शादी करेगा। इस तरह दोनों लड़के इंतजार में हैं और इधर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है। जब उम्र बढ़ेगी, उनका उनकी दिली ख्वाहिश के अंदर और उभार आएगा, दिली ख्वाहिश और पुख्ता होती चली जाएगी, और नाजायज ताल्लुकात कायम होने लग जाएंगे और हो रहे हैं। वक्त पर शादी का नजम करना मां बाप की जिम्मेदारी है।